सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे फिर से नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्या आप अपने फेसबुक में नाम चेंज करना चाहते हैं? तो ये हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक में नाम चेंज कैसे करेंगे। अगर आप भी अपने फेसबुक में नाम चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक में नाम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं थी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं फिर से कोई नए वीडियो डालूं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक पर क्लिक करना है और फेसबुक में नाम कैसे चेंज करेंगे। फेसबुक पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है। तो देख सकते हैं यहां पर आपको फर्स्ट में थ्री लाइन का ऑप्शन मिलता है, थ्री लाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है। तो थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे मिल जाता है सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद फिर से आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो फिर से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है। तो आप अपने फेसबुक में नाम चेंज करने के लिए इस तरह से इंटरफेस पे आना है। और आप देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा है अकाउंट और आपको नीचे दिख रहा है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेटिव, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन फर्स्ट में लिखा होगा नाम, नाम पर आपको क्लिक करना है। नाम पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाता है। तो फ्रेंड, आपको इस तरह से सेटिंग मिलेगा क्योंकि फेसबुक में अपडेट हो गया है। फेसबुक को पहले आप अपडेट कर लीजिएगा, इस तरह का आपको सेटिंग मिल जाएगा। नहीं तो आपको अपडेट नहीं करेंगे तो पहला जैसा सेटिंग मिलेगा। तो इस तरह से नाम पर क्लिक करेंगे और नाम अपने चेंज करने के लिए आपको देख सकते फर्स्ट में लिखा है नाम, और नाम अपने यहाँ से एडिट कर सकते हैं जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं एडिट कर लेता हूँ और यहाँ से आप नाम एडिट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से एडिट करने के बाद आपने लास्ट नाम डाल देना है। चलिए मैं लास्ट नाम जो हुसैन है तो मैं आलम डाल देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए इसे आलम डाल देता हूँ। इस तरह से डालने के बाद, आलम डालने के बाद मैं इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ। करने के बाद देखिए यहाँ पर मिलेगा रिव्यू चेंज, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप अपने फेसबुक में नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम चेंज हो गया है। और पहले आपको यहाँ पर फेसबुक का पासवर्ड डालना होगा तभी आपको चेंज होगा। चलिए यहाँ से पासवर्ड डाल देते हैं। और डालने के बाद यहाँ से आसानी से आपको पासवर्ड यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले फेसबुक का पासवर्ड डाल देना है। चलिए यहाँ से पासवर्ड डाल लेते हैं। डालने के बाद आपको सेव, यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा है चेंजेस, यहाँ पर सेव चेंजेस पर इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ से देख सकते हैं कि आप अपने फेसबुक में नाम चेंज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा आपको नाम। आप देख सकते हैं मेरा हुसैन था तो आलम हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर मैं नाम चेंज कर लिया हूँ अपना। और करने के बाद यहाँ से आसानी से अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। देखें, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब मेरा आलम हो गया है और इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो फ्रेंड, आपने आसानी से अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ प्रोफाइल पर इस तरह से जाने के बाद कि नाम चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ से आपको कट करना है और कट करने के बाद आपने आना है प्रोफाइल पर। और प्रोफाइल पर आएंगे तो देख सकते हैं मेरा आलम लग चुका है जो मेरा हुसैन था। तो इसीलिए आप अपने जो भी अपने फेसबुक में नाम चेंज करना है इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फेसबुक को अपडेट कर लेना है, तभी इस तरह से आपको सेटिंग मिलेगा और अपने सेटिंग की मदद से आप अपने फेसबुक में नाम चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि मैं फिर से कोई नए वीडियो डालूँ तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलते हैं अगले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।